दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। दरअसल एनसीपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यह जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी ब्रिजमोहन श्रीवास्तव ने दी है। श्रीवास्तव ने बताया कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने पुलवामा जिले में चुनाव लड़ने के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों को अपनी मंजूरी दे दी है। श्रीवास्तव ने बताया कि त्राल से मोहम्मद यूसुफ हजाम, पुलवामा से इश्तियाक अहमद शेख और राजपुरा से अरुण कुमार रैना को मैदान में उतारा गया है। उन्होंने बताया कि ये सभी उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। पार्टी यह चुनाव किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन किए बिना लड़ रही है, यानी कि महाराष्ट्र में साथ साथ मिलकर सरकार चला रही बीजेपी और एनसीपी जम्मू एवं कश्मीर में एक दूसरे के सामने ताल ठोकती नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के 90 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होने हैं। इसके तहत 18 सितंबर को पहले चरण में कुल 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। पार्टी ने कहा कि अन्य चरणों के उम्मीदवारों के नाम और अन्य संबंधित जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अन्य दलों में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इस सूबे में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2014 में हुए चुनाव के बाद बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी।